दोस्तों और भाइयों नमस्कार और सलाम और सत श्री अकाल। मैंने एक तबला जोड़ी बनाई है अभी और ये मेरी जोड़ी जो है ये कुवैत जा रही है, जो कि हमारे सुरेश भाई हैं जो कि कुवैत में रहते हैं, कुवैत दुआ वहाँ पर ये तबले की जोड़ी जा रही है मेरी। तो मैंने ये तबले की जोड़ी को आप लोगों तक दिखाना है और बताना है। तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये तबला जो है ना ये बीजे सार का है। ये देखिए ये बीजे सार लकड़ी है, ठीक है, ये बीजे सार लकड़ी है। और बीजे सार लकड़ी की ये पहचान आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में बता रखी है और कह रखा है कि बीजे सार की जो क्वालिटी होती है कि आप इसको किसी पानी में भिगो दें तो उसका रंग चेंज हो जाता है और वाइन कलर आ जाता है। या इसका पाउडर निकालो और उसमें पानी में डाल दो तो वाइन कलर हो जाएगा, उसकी ये पहचान है। दूसरी बात यह है कि ये हैंडमेड है और प्रोफेशनल तबला है। इसकी साउंड देखिए आप, ये साउंड देखिए आप। और जो असली बात है कि स्क्रीन दोनों सेम है लेकिन इसके अंदर ये बीजे सार की पहचान है कि इसके अंदर येलो कलर आता जाएगा, अक्स आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इसमें व्हाइटनेस ही है और ये येलो कलर में आ रहा है, ठीक है। तो ये तबले की आवाज मैंने आपको दिखाना था, ये प्रोफेशनल तबला है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और ये डग्गा जो है ना ये विदाउट जॉइंट का है, ये देख रहे हैं आप, ये 5 kg का डग्गा है, 5 kg का, क्योंकि मैंने इसका बिना बना बाया भी रखा हुआ है अपने पास। अब ये जो डग्गा है इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में कोई जॉइंट्री नहीं है। ये हमारे सुरेश भाई जो कुवैत रहते हैं उन्होंने ये मुझे एक ऑर्डर दिया और कहा कि आप मेरे लिए स्पेशल और जो सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है वो दीजिए मुझे। तो मैंने भी कोशिश की है और मैंने बना के ये आप लोगों तक मैं दिखा रहा हूँ और ये सुरेश भाई को मैं भेज रहा हूँ कुवैत के लिए। तो अभी इसका जो डग्गे का ये जो बॉडी है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, अंदर से देखिए, इसको अंदर से दिखाएं आप। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है, देख रहे हैं आप, कोई जॉइंट नहीं है, ये देख लीजिए आप। और ये देखिए यहाँ से ये हैंड मेकिंग है, हैमरिंग हुआ है और ये देख लीजिए ये किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। अब असल में क्या है, लोग इसके अंदर हथौड़ी मारते हैं ऐसे करके ही, तो हथौड़ी यहाँ मारते हैं, यहाँ हथौड़ी मारते हैं, यहाँ कभी नहीं मारते क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो जॉइंट होता है वो 4 किलो का अगर डग्गा है वो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टिकली होती है यहाँ की टिकली वो 2.5 किलो की होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो जॉइंट से लेके फिर यहाँ तक ऊपर तक जो आता है वो सिर्फ 1.5 किलो की होती है पूरी इतनी बड़ी बॉडी। तो यहाँ कोई हथौड़ी नहीं मार के दिखाता, यहाँ हथौड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ टोटल वजन इसका यहाँ पर है और उसके बाद में बाकी का जो वजन 1.5 किलो बचता है वो सारी बॉडी यहाँ पर दे देते। तो यहाँ तो चद्दर हो गई ना हल्की वाली और यहाँ पर वजन हो गया, अब वो वजन यहाँ पर है और यहाँ हथौड़ी क्यों मारेगा बंदा। अब फिर यहाँ पर अगर वो हल्का है तो इस तरह से ये जो हमारी यहाँ ये गिट्टियाँ लगाई जाती हैं इस पर हमारे यहाँ कई बार हथौड़ा भी चलता है ऐसे। अगर ये हमारी बॉडी हल्की होगी यहाँ पर तो ये यहाँ पर डेंट आ जाएगा, इसलिए सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि पूरी बॉडी के अंदर इस बॉडी में यहाँ पर जो बनाया गया है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मोटी शीट में बनाया गया है, ये मोटी शीट में, इसीलिए ये 5 kg है। नहीं तो लोग 4 किलो का बनाते हैं, 3.5 किलो का बनाते हैं, 3 किलो का बनाते हैं, वो हल्की शीट हो जाती है। ये इसीलिए ये 5 kg का बनाया और ये सिर्फ मैं बेचता हूँ, शायद मैं बेचता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब इसकी कॉपी हो जाएगी मुझे पता है, कोशिश कर रहे हैं, वैसे होना बड़ा मुश्किल है लेकिन करेंगे कोशिश, लोग करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाना था, ये कॉपर है, प्योर कॉपर, ये देख रहे हैं आप, पूरा प्योर कॉपर है। और ये इसके अंदर जो हैमरिंग हो रही है ये हाथ से बनाया हुआ डग्गा है, तो इसीलिए मैंने आप सबको दिखाना है। ये देखिए इसका, ये देखिए सारा, ठीक है। तो बस मुझे ये दिखाना था और ये एक लेटेस्ट चीज है जो कि कुदरत ने मेरे हाथों से ही करवाना था, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश करी है। इसको बनाने वाले भी स्पेशल हैं यहाँ के, दिल्ली के बहुत मशहूर हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने इस काम को मेरे को करके दिया। अब उनके पास भी सब लोग जो और तबला बनाते हैं ना वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें भी दो, तो वो शायद नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये चीज़
मैंने उनके साथ मेहनत करके बनाई गई है। तो मेहरबानी करके आप लोग इसको देख के मुझे बताएं और मेरे लिए शेयर करें और मुझे बताएं कि मैंने इसमें क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, क्योंकि जो जॉइंट पहले से आ रहे हैं चाहे वो यहाँ हो या यहाँ पर हो जॉइंट, उसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कई बार हम हथौड़ी मारते हैं तो वो वेल्डिंग जो है ना वो वहां से सुराख कर देती है, होल हो जाता है होल, तो वो वहां से यहाँ से उसको उसके अंदर से वाइब्रेशन जो है ना जो हमें चाहिए होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि लीक हो जाता है वो डग्गा। ये देख रहे हैं इसका जो साउंड है, ये साउंड कभी भी खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं खत्म होगा इसका, क्योंकि यहाँ कोई जॉइंट ही नहीं है, इस शीट में कोई जॉइंट ही नहीं बैठा लग गया है। ठीक है, तो बस अब ये है कि कोई ना कोई अच्छी चीज बनानी ये हमारी एक जरूरत है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी दिल्ली के अंदर कई लोग इसी तबलों को, ऐसे तबलों को बना बना के 60,000, 70,000, 80,000 मांग रहे थे, लेकिन अभी एक साल पहले से मैंने मेहनत की और सभी तबले जितने भी सारी दुनिया के लोग हैं जो तबला मेरे से लेने की उन्होंने बातचीत की और कहा कि भैया बहुत महंगे तबले हो रहे हैं, तो मैंने बड़े रेट डाउन किए। सबसे पहली मेरी शुरुआत है, प्रोफेशनल तबला बना के मैंने रेट डाउन किए हैं और ये तबले जो है इसी तरह से मैं बना रहा हूं, और अभी देखना बहुत रिजनेबल पैसों में सभी लोग बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मैंने मेहनत की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नाजायज पैसे ले रहे थे ना अभी तक, कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है और कह रहा है कि जी ये तबला मैं सस्ता दे रहा हूँ और वो प्रोफेशनल तबला मेरा महंगा है, आज भी महंगा, तो वो प्रोफेशनल तबला हो या कोई हो आपकी मेकिंग ये है सिर्फ, ये बर्तन की नहीं है, बर्तन का भाव बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है जैसे सोने का रेट होता है ना पूरी दुनिया के अंदर, एक सब जान जाते हैं, ऐसी तिलक अपना चांदी का रेट जान जाते हैं, ऐसी पीतल का रेट जान जाते हैं, ऐसी कॉपर का रेट जान जाते हैं, तो कॉपर का रेट वही रहेगा, कोई भी कोई अगर अलग से कहता है जी मेरा तो अलग से है नहीं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेहरबानी करके ये सारे लोग जो भी अगर आपसे चीटिंग करते हैं और 40,000, 50,000 या 30,000 मांगते हैं तो उनसे सावधान रहिए, मैं आपको सस्ता ये तबला बना के दे रहा हूँ और सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पैसे नाजायज नहीं लेता किसी से। ठीक है सर, तो ये देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखाना था, इसका साउंड भी दिखाना था। एक्चुअली बात यह है कि मैं तो सिर्फ तबला बनाता हूँ, लेकिन ये सभी चीजें जो है ना ये बाहर से मंगाई जाती हैं और बाहर में जो बनाने वाले लोग हैं ना तो वो बाजार के भाव से बेचेंगे, उससे ज्यादा बेच ही नहीं सकते, तो हम क्यों उसमें ज्यादा पैसे मांगे। ठीक है ना, तो हमारा काम है तबला का पुड़ी बनाना, हम अपनी पुड़ी का पैसा मांगे, लोग इसके ही 5,000, 8,000, 8,000, 10,000 पुड़ी के लेते थे, हमने ला के नीचे कर दिया 2,000 रुपए की पुड़ी कर दी, अभी और नीचे आएंगे 1,500 भी आएगा। ये दिल्ली में जो बैठे हैं ना जो कहते हैं प्रोफेशनल तबला बना रहे हैं वो सब अभी आने वाले टाइम में देखना अभी 1,500, 1,000 रुपए की पुड़ी हैंडमेड बेचेंगे प्रोफेशनल, ये मेरा आपसे वादा है, आने वाला टाइम ऐसा आएगा अभी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं अभी कि रेट नीचे आए, चोर बाजारी खत्म करें, ये चोर बाजारी जो कर रखी थी, डकैती डाली थी सीधे साधे तबले बजाने वालों के ऊपर, किसी से 40,000 किसी से 50,000 मांग रहे थे, हमने इसी को डाउन कर दिया है और डाउन करके ये बेच रहे हैं। अभी देखना तुम 10,000 रुपए की जोड़ी बिकेगी, ये हमारा वादा है आपसे, कंपटीशन करेंगे, अच्छा काम करेंगे, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें भेजेंगे। और ये मैंने एक फाइबर का बॉक्स है सुरेश भाई आपके लिए, तो ये मैं आपके लिए इसमें से ये भेज रहा हूँ, आपने ब्लैक कलर पसंद किया था, हालांकि रेड कलर भी है मेरे पास, येलो भी है, सारे कलर है मेरे पास। ठीक है, और ये आपके लिए मैंने ये स्पेशल हथौड़ी है जो कि ट्री के नाम से जानी जाती है, इसका जो गैप है बड़ा अच्छा आता है, ये बड़ा अच्छा आता है और ये स्लिप नहीं होता हाथ के अंदर, ये जरा नजदीक से दिखा देना, ये जो चीज है ना ये स्लिप नहीं होता, कई बार ये हाथ में स्लिप हो जाता है, वो स्लिप नहीं होगा, ये बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है जी, तो मैं अभी यही दिखा रहा था। और ये मैंने इनके लिए इसके अंदर ये मैं टॉप दे रहा हूँ उनको और रिंग दे रहा हूँ उनको, ये सब इसके अंदर देखिए इस तरह से बने हुए हैं, ये देखिए, और इसी तरह से फिर ये बनाया हुआ है रिंग, बड़ा अच्छा, क्योंकि पहले ये बता रहे थे लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा हाइट ऊंची है इसकी, तो मैंने इसकी हाइट को कम किया है, ये देखिए ये हाइट कम कर दी है इसकी, यहाँ से ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो तबला जो है ना ऊंचा हो जाता था, अब इसकी हाइट पे अच्छे से तबला बैठ जाता है, ये देख लीजिए आप,
ये देखिए, ये ठीक है। तो बस मैं आपको इतना ही दिखाना था, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो YouTube पर चैनल है प्रिंस म्यूजिकल केंद्र, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा मोबाइल नंबर है 9211251625। ठीक है भाई साहब, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। ये देखिए, इधर भी देख लीजिए, ये तबला किस तरह से बनाया जा रहा है। जरा ऐसे इनको हटाइए, उधर हटा दीजिए, इधर रख दीजिए यहाँ पे। ये देखिए तबले इस तरह से बन रहे हैं हमारे। ये देखिए ये सब, ये देख लीजिए, लोग कहते हैं जी ऐसे बना रहे हैं, ये दिखाओ इस तरह से। ये देखिए, ये सब इस तरह से ये बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। कोई अगर ये कहता है कि प्रोफेशनल तबला नहीं बनता, प्रोफेशनल हम बनाते हैं और प्रोफेशनल तरीके से ही बनाते हैं। ये देखो इसके जो तबले हैं, ये इस तरह से बन रहे हैं। तो ठीक है सर, अच्छी बात है जी। सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब।